the British Association of Physician of Indian Origin Training Academy BTA KIMS Kingsway Hospitals Nagpur और शालिनताई मेघे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वाना डोंगरी के सहयोग से पहली बार इंडो यूके हेल्थ एजुकेशन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। BPIO प्रशिक्षण अकादमी के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर पराग सिंघल, जो इस कार्यक्रम के लिए नागपुर का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस कॉन्क्लेव की सिफारिशों कार्यों के संबंधित सरकार के सामने इसे प्रस्तुत किया जाएगा। शहर में पहली बार होने वाला इंडो यूके कॉन्क्लेव यह सुनिश्चित करेगा कि बड़ी संख्या में भारतीय स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा संस्थानों ने शीर्ष नेता BPIO प्रशिक्षण अकादमी द्वारा प्रदान की गई रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत यूके अवसरों के विस्तार के लिए अपने दृष्टिकोण और समाधानों को साझा करें। BPIO प्रशिक्षण अकादमी के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप और इसके 2+ प्रशिक्षण ट्रैक भारत और यूके के बीच अद्वितीय और सबसे बड़े सहयोगी डॉक्टर के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करते हैं, जबकि यूके स्थित NHS ट्रस्ट उन्हें 2 साल के लिए रोजगार और आगे का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसमें सफल होने वाले डॉक्टर भारत वापस आ सकते हैं या यूके में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं प्रोफेसर पराग सिंघल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ यूके में और BPIO ट्रेनिंग अकेडमी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे हूँ नागपुर में, जो हमारा हब है ट्रेनिंग का, और एक तरह से मुझे ऑनरेरी सिटीजनशिप मिल गई है नागपुर की। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि नागपुर से हमने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, 2 साल की ट्रेनिंग इंडिया में और 2 साल की ट्रेनिंग यूके में। और वो इसलिए शुरू किए कि इंडिया में इतने सारे MBBS डॉक्टर्स हैं जिनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, और यूके में उनके लिए वैकेंसीज हैं। तो हमने दोनों एस्पेक्ट्स को जोड़ के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, टोटल 4 ईयर्स का। और इस 4 ईयर्स में 2 साल वो इंडिया में रहेंगे, 2 साल यूके रहेंगे, और रॉयल कॉलेज का वो एग्ज़ाम पास कर लेंगे आफ्टर 4 ईयर्स। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी प्रोग्राम की ये है कि यूके की फैकल्टी यहाँ पे आएगी उनको और ट्रेन करेगी, अपार्ट फ्रॉम लोकल फैकल्टी। हमने एक चीज़ इसमें और इंट्रोड्यूस की इस प्रोग्राम में, MBA की डिग्री। तो उनको मैनेजमेंट की डिग्री मिलेगी, और जो कि एक बड़ा स्पेशल कोर्स क्रिएट किया है यूके यूनिवर्सिटी ने। तो हमारा जो विज़न है वो ये है कि 4 साल बाद इनके पास 2 डिग्रीज होंगी, उसके बाद अगर ये इंडिया आते हैं तो ये नहीं, नॉट ओनली दे विल बी वेरी गुड डॉक्टर्स, बट ये ऑल्सो लीडर्स होंगे और हेल्थ सर्विस को अच्छी तरह से चला पाएंगे, जिससे इंडिया का बेनिफिट होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है और ये एक्सपेंड होता जा रहा है, और हमारा अब सारा नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स पूरा अक्रॉस इंडिया फैलता जा रहा है, और यूके के हॉस्पिटल्स भी हमारे साथ अब टाई अप होते चले जा रहे हैं। सो ये एक, और 2 साल होने को आ गए, जो पहला बैच था वो ग्रेजुएट कर रहा है पहला बैच, तो बड़ी खुशी की बात है उन बच्चों के लिए जो कि अब सक्सेसफुली यूके जा रहे हैं। 2020 में शुरू किए गए उपरोक्त अभियानों के तहत मेडिकल डॉक्टरों के पहले बैच को किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया और यूके में प्लेसमेंट के लिए मंजूरी दे दी गई। डॉक्टरों के इस बैच का सत्कार एवं अलंकरण 20 नवंबर 2022 को दोपहर 12 बजे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार और लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के हाथों किया जाएगा। मैं रुचि घनश्याम हूँ। मैं भारत की उच्चायुक्त थी यूनाइटेड किंगडम में 2018 से 2020 तक। सो मेरे प्रवास के दौरान मुझे BPIO यानी ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन लोगों से मेरी जान पहचान हुई और मालूम चला कि भारतीय मूल के बहुत लोग, डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स यूके में हेल्थ केयर सर्विस को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। जब इन लोगों ने BPIO एकेडमी की बात करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो यूके में हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, वो हम भारत में ला सकते हैं, और उससे हमारे जो MBBS डॉक्टर्स हैं उनको न केवल एक मौका मिलेगा अपनी बेहतरी करने का, अपनी क्वालिफिकेशंस को इम्प्रूव करने का, बल्कि जो मैनेजमेंट और एजुकेशनल जो स्किल्स हैं वो जो यूके के लेवल के, वो भारत में लाएंगे तो भारत में हेल्थ केयर इम्प्रूव होगा। इसीलिए मुझे तो पूरी तरह से जो इन्होंने
कहा वो मुझे बहुत अच्छी लगी बात, और ये देख के आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब कुछ डॉक्टर्स हैं जो अब तैयार भी हो रहे हैं और ये प्रोग्राम अब आगे बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये नागपुर में आने का इसके कारण मुझे भी मौका मिला। थैंक यू। किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर किम्स हॉस्पिटल का एक हिस्सा है जो मध्य भारत में विश्व स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी है। गौरतलब है कि इस प्रोग्राम को सबसे पहले भारत के किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल में लॉन्च किया गया। यह कॉन्क्लेव मध्य भारत के साथ साथ पूरे देश में स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।